अंबाला में सफाई, सड़क, गली और नाले नालियों के मुद्दे को लेकर आज विधायक असीम गोयल प्रशासनिक अधिकारियों से खासे नाराज दिखाई दिए हैं। विधायक असीम गोयल ने आज नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ शहर का दौरा किया तो शहर में नालों की हालत व सड़कों किनारे जमा गंदगी और खड़े पानी को देख विधायक असीम गोयल भड़क उठे। क्या कुछ कहा विधायक ने, सुनिए। आज हमने कॉरपोरेशन, पब्लिक हेल्थ और पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन के अधिकारियों के साथ मिलकर आज शहर के अंदर जहाँ जहाँ पे सड़कों में खड्डे हैं दिक्कत है, जहाँ जहाँ पे सफाई व्यवस्था की दिक्कत है, जहाँ स्ट्रीट लाइट्स की दिक्कत है या जहाँ पे ड्रेनेज की, सीवर वाटर की दिक्कत है, सीवर लाइन की समस्या है, वाटर लाइन की समस्या है, इन मूलभूत सुविधाओं को लेकर आज एक एरिया जो है दो घंटे में जितना एरिया हो पाया आज हमने उसके जो है एक दौरा किया है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं जहाँ जहाँ खामियाँ नजर आई हैं। और अगला दौरा सोमवार को दोपहर से शहर के इंटरनल हिस्से में और शहर के जो बाहर की कॉलोनीज बनी है वहाँ पे दोपहर से सोमवार को मैं वो भी करूँगा। और इनको ये भी कहा जब तक दो दिनों में आप अपने आप ही सफाई के नाते जो ब्लैक स्पॉट हैं, जो खड्डे हैं, अपने जेईस को आप अभी से निर्देश दे दें कि वो अपने अपने एरिया में जाके खुद ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर लें। दोबारा जहाँ पर शहर के अंदर गंदगी ओपनली नहीं आपको दिखेगी, ये हमारा प्रयास रहेगा। खड्डा फ्री सड़कें हों और स्ट्रीट लाइट, जो हमारा बड़ा टेंडर लग चुका है, लगभग 29,000 टोटल लाइटें शहर में लगेंगी। हमारी कोशिश है 4,000 का टेंडर लोकल स्तर पे लग जाए और लगभग 25,000 लाइट्स का टेंडर जो है वो डायरेक्टरेट से फाइनल हो रहा है, तो शहर के अंदर इन बेसिक सुविधाओं की दिक्कत ना हो। सर देखिए, हमने सीधा कहा है कि जो जिम्मेवार है सफाई व्यवस्था को लेकर उसका चालान होना चाहिए, वो कोई भी हो, इतना प्रभावी आदमी हो। शहर को गंदा करने का अधिकार किसी भी आदमी को नहीं है।